फोकस न्यूज के साथ मैं हूँ फायजा शाह। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने से मुतालिक केस में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिए। आतिफ अली नामी शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया था कि साफी जावेद चौधरी और शाहिद मेहतला ने व्यूअरशिप के लिए दो आर्टिकल लिखे थे जिनका मुआशरे पर मनफी असर हुआ। दोनों के आर्टिकल्स को दरख्वास्त के साथ लफ किया गया है। जब आर्टिकल्स देखे तो हैरान रह गया कि कैसे माफिया माशरे को पूरा गंदा कर रहे हैं। आज़ादी ज़ाहिर राय की आड़ में मुजरिमाना रवैया सामने आया है, इसीलिए मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त गुजार ने यह मौका भी अख्तियार किया कि मुजरिमाना एक्ट जनरल रिटायर्ड बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की मिली मगज से हुआ, लिहाजा FIA उस पर सख्त एक्शन ले। कराची की मकामी अदालत ने जेर हिरासत मुलजिम को फरार करवाने की कोशिश के केस में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर कर दी। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने जेर हिरासत मुलजिम को फरार करवाने की कोशिश के केस में हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। हलीम आदिल शेख जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। हलीम आदिल 9 मई के मुकदमे में जमानत मिलते ही दूसरे केस में गिरफ्तार। मैट्रिक के नतज में तब्दीली के मामले पर तब्दील किए गए नतज के रोल नंबर हासिल कर लिए हैं। जरा के मुताबिक तलबा के नतज IT सेक्शन में तब्दील किए गए और IT सेक्शन ने काम नाजिम इम्तहान की हिदायत पर किया। मैट्रिक बोर्ड में नतज कैसे तब्दील हुए, हज़ारों तलबा को एक जैसे नंबर, मैट्रिक इम्तहान के नतज में इस साल भी बेकायदगियों का इंकशाफ। KP मैट्रिक के गैर तसली बख्श नतज लाने वाले सरकारी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जराए का कहना है कि रवान साल तकरीबन 2300 रोल नंबर्स की नतज तब्दील किए गए और नतज तब्दीली के लिए फी रोल नंबर 50,000 रुपये रेट फिक्स किया गया था। जराए ने मजीद इंकशाफ किया कि कम नंबर हासिल करने वाले तलबा को अच्छे नंबरों से पास किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के वकील सलमान सफदर का कहना है कि इमरान खान की जानिब से आज एहतजाज किया गया कि आम कैदियों की तरह सलूक किया जाए। साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में हुई, जिस दौरान सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसना जुलकरनैन ने साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन PTI इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुमायत करने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख दी। साइफर केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकील सलमान सफदर का कहना था कि आज उजलत में केस ट्रायल चलाने की कोशिश की गई। चेयरमैन PTI ने आज एहतजाज में कहा कि क्या कि मेरे साथ आम शहरियों की तरह सलूक किया जाए। इस्लामाबाद से निजी एयरलाइन के जरिए रवाना होने वाले 300 से ज्यादा उम्रा ज़ायरीन गुज़श्ता 24 घंटे से कराची में ख्वार होकर रह गए। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक निजी एयरलाइन सरेन एयर की परवाज़ ER 1801 ने गुज़श्ता दोपहर इस्लामाबाद से जद्दा के लिए टेक ऑफ किया था। दोपहर 1:42 पर उड़ान भरने वाली परवाज को हंगामी सूरत हाल पैदा होने पर 3:42 पर कराची उतार लिया गया। एविएशन ज़राए के मुताबिक एयरबस A330 तैयारे में ऑक्सीजन ख़त्म और हवा का दबाव कम होने की शिकायत मिली। दौरान परवाज तैयारे में झटके लगने से चीखो पुकार मच गई और उम्रा ज़ायरीन कलमा तैयबा का विरोध करते रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का आगाज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत फुल कोर्ट कर रहा है। जस्टिस एजाज़ अल हसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। मस्कत से इस्लामाबाद की परवाज़ में मुसाफिर इंतकाल कर गया, जिसके बाद कराची में तैयारे की हंगामी लैंडिंग की गई। मस्कत से इस्लामाबाद के अमान एयर के परवाज़ में मुसाफिर के इंतकाल पर तैयारे को हंगामी तौर पर कराची उतार लिया गया। एविएशन ज़राए के मुताबिक अमान एयर के परवाज़ WY345 ने मस्कत से मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3:04 पर इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ किया। बोइंग 737 तैयारा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में उशाफ के करीब था कि तैयारे के एक मुसाफिर की तबीयत ख़राब हो गई। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की जानब से 3 इसराइली शहरों में रॉकेट हमलों के बाद सहयोनी फोर्सेस की जानब से जवाबी कार्रवाई ना होने की वजह सामने आ गई। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास के इसराइल पर हमले के बाद सहयोनी फौज के मिज़ाइल स्टॉक में कमी का इंकशाफ सामने आया है। तुर्क रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल फौज आयरन डोम सिस्टम से लेस कुछ यूनिटों को गोला बारूद फराहम नहीं कर रही। इसराइली फौज के पास गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट मिज़ाइल भी महदूद तादाद में हैं।
मकबूजा फलस्तीन और गजा पट्टी समेत दीगर इलाकों पर सहयोगी बर्बरी अतरात भर जारी रही, जिसमें एक ही खानदान के 19 अफराद भी शहीद होने वाले सैकड़ों अफराद में शामिल हैं। सिहूनी फोर्सेस की जाने से गजा में हमास के 800 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया और इसराइली फजाइया के साथ साथ इसराइली बहरिया की जाने से भी मकबूजा फलस्तीनी इलाकों पर बमबारी की गई। इसराइली वज़ीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू की जानिब से फ़लस्तीनियों को 12 घंटे में गजा खाली करने की डेडलाइन ख़त्म हो गई। इसराइलियों ने गजा की बिजली, ईंधन और दीगर अशिया की फरहमी बंद करने के बाद इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। बॉलीवुड के किंग खान को उनकी हालिया फिल्मों की कामयाबी के बाद कत्ल की धमकियाँ दी जा रही, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान ने रवां साल 2 सुपर हिट फिल्में पठान और जवान दी, जिसके बाद नामालूम अफराद की जानिब से सुपरस्टार को कत्ल किए जाने की धमकी आमेज पैगाम मुसलसल मौसूल हो रहे हैं। इसके पेश नज़र रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत ने शाहरुख खान को वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम कर दी है। ICC वनडे वर्ल्ड कप का छठा मैच नैदरलैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी है, जहाँ इस वक्त कीवी टीम बैटिंग कर रही है। ये मैच भारतीय हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहाँ नैदरलैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इस वक्त न्यूजीलैंड के 10 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं और टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 63 है। इसराइल हमास जंग के बाद खाम तेल की गिरती हुई कीमतों में अब इजाफा शुरू हो गया है। एशियाई मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.7% तक इजाफा हो गया, जबकि दौरान ट्रेडिंग बरतानवी खाम तेल ब्रेंट खाम तेल की कीमत 86.65 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गए। इसके अलावा WTI की कीमत में 4.5% इजाफा और WTI की फी बैरल कीमत 88 डॉलर और 39 सेंट हो गई। वाजे रहे कि हफ्ता 7 अक्टूबर की सुबह गजा से इसराइल पर 7,000 रॉकेट फायर किए गए, जिसके बाद फलस्तीन और इसराइल में जंग छिड़ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में मतलब जज्वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, ताहम शाम रात के दौरान बलाई खबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर इस्लामाबाद खिता पोटोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम गिलगित बल्तिस्तान और मलहका इलाकों में मतलब जज्वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकाम पर हल्की बारिश की तवक्को है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फोकस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।